आज का जो टॉपिक है अपना वो है जीना डायोड से। तो हम डायोडों की पूरी प्रोसेस समझ रहे थे, आज समझेंगे कि जीना डायोड क्या होता है और ये वर्क किस तरीके से करता है। तो जीना डायोड की सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे कि जीना डायोड कहते किसे हैं। बेचली एक जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसी के समान जीना डायोड होता है, बट ये कुछ स्पेशली होता है और कुछ विशेष काम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो है सबसे पहले हम सामान्य जीन पीएन डायोड का वर्किंग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जीना डायोड का समझेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक कॉमन डायोड होता है, वो एक दिशीय होता है, केवल एक ही दिशा में काम करता है, दूसरी दिशा में नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा पीएन का हम उपयोग करते हैं रेक्टिफिकेशन में, यानी एसी से डीसी पावर को बनाने के लिए हम करते हैं। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात आएगी तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमें जो डायोड का उपयोग करते हैं वो होता है जीनर डायोड। सबसे ज़्यादा हम जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ही करते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है थोड़ा इसको भी हम समझेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस 3 वोल्ट की है तो उसको क्या है 3 वोल्ट प्रॉपर चाहिए। अब यदि उसको हम 2 वोल्ट देंगे तो वो डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, या मान लीजिए उसमें 4 वोल्ट या 6 वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो डिवाइस ख़राब हो जाएगी या प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज देने की ज़रूरत पड़ती है। जो है तो इसके लिए हम क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस बनाते हैं। वैसे वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस काफ़ी हैं, जैसे जीनर डायोड से भी हम करेंगे, कुछ हम ट्रांजिस्टरों से भी करते हैं, आईसीसी भी करते हैं, जैसे अलग अलग डिवाइसेस रहती हैं रेगुलेशन के लिए। तो ये देखा जाता है कि हमारा वट किस तरीके का पीसीबी बोर्ड है और कौन सी डिवाइस ज़्यादा सुइटेबल हो रही है। तो सबसे सरल और सस्ती होती है जीनर डायोड की वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ देखो डिस्प्ले में जीनर डायोड का आपको जो है सिंबल दिख गया होगा। तो सामान्य सिंबल में और जीनर डायोड के सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब हम बात करें कि जीनर डायोड कहते कैसे हैं। तो जीनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है जिसे सिलिकॉन स्टील को हम लेपित करके बनाते हैं, यानी इसमें ये समझें कि अधिक डॉप्ट करते हैं जो है। अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। जो पीएन डायोड होता है उसमें क्या होता है कि रिवर्स में बिल्कुल भी करंट वोल्टेज नहीं जाएगा और यदि कोशिश करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन जीनर में क्या होता है कि जीनर में ये होता है कि फॉरवर्ड में तो करंट वोल्टेज जैसे जाता वैसे ही जाएगा, लेकिन क्या होता है कि रिवर्स में भी करंट वोल्टेज चलेगा जो है, ठीक है। लेकिन एक उसका निश्चित वोल्टेज होता है, उसके बाद ही वो रिवर्स में चलेगा, और कितना चलेगा ये भी होता है। उसके बाद यदि और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी इसको आप एक विशेष तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आम का पेड़ है और एक हमारा जो है बांस का पेड़ है। तो जब तूफान आता है तो जो आम का पेड़ होता है वो उसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, टूट सकती हैं जो है, बिल्कुल ही टूट के अलग हो जाती है। लेकिन जो बांस का पेड़ होता है वो क्या होता है टेढ़ा हो जाता है, और फिर जैसे ही तूफान थम जाता है तो बांस सीधा हो जाता है। यही सेम होता है जीनर डायोड में और पीएन डायोड में। पीएन डायोड क्या होता है कि अगर रिवर्स वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। और जीनर डायोड क्या करता है कि यदि रिवर्स वोल्टेज उस जाएगा तो वो जाने देगा कुछ समय के लिए, जो उसकी वैल्यू होगी उसके समय के लिए वो फ्लो होने देगा, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपको दोनों को समझ में आ गया हो। अब इसको जीनर क्यों कहते हैं, इसको क्लेरेंस मेलविन जीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है उत्पाद किया था, या इसको जो है डिवाइस को आविष्कार किया था या बनाया गया था, इसलिए हम ज़्यादातर इसको जीनर डायोड के नाम से ही जानते हैं। सिंबल में आपको दिख रहा होगा इसमें जो तीर जैसा बैंड होता है ये दोनों साइड होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये रिवर्स भी काम कर सकता है और फॉरवर्ड ही काम कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। जैसे एक सोर्स है उसको 3 वोल्ट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 वोल्ट मतलब उसको चाहिए। अब क्या होगा कि इनपुट में हम 2 केसेस होंगे, अगर हम 1 वोल्ट या 2 वोल्ट देंगे तो पहली कंडीशन, और एक कंडीशन वो होगी कि जब हम इसको 6 वोल्ट देंगे जो। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि यदि आप 1-2 वोल्ट दोगे तो जीनर का काम क्या होगा कि इसको लोड में से कम 3 वोल्ट को निकालने का काम होगा, और दूसरा यदि 6 वोल्ट आ जाएगा तो जीनर अपने आप ड्रॉप करेगा एक्स्ट्रा वोल्टेज का जो है, और जो सोर्स है अपना यानी जो स्रोत है, जैसे हमने एक लोड लैंप लगाया तो लैंप को वो आपको 3 वोल्ट ही देगा। तो ये आप चित्र डिस्प्ले पर देख सकते हो किस तरीके से ये देगा। ऐसे ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक कोई लैंप लोड है उसको 5 वोल्ट
ज़रूरत है, लेकिन हम दे रहे हैं उसको कितना 15 वोल्ट। तो नेचुरल है कि जो 10 वोल्ट का है वो ड्रॉप करेगा जीरा, ठीक है, और जो 5 वोल्ट है वो लैंप में ही जाने देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जीनर का वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है। अब थोड़ा सा क्या होता है, जीनर के बारे में हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ से देखते हैं कि जीनर डायोड किस तरीके से काम करता है। अब हम ग्राफ पर आ गए हैं और पढ़ते हैं कि जीनर डायोड क्या होता है जो है। तो देखो यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है जीनर डायोड, ये जो है ठीक है, ये लिखा हुआ है जीनर डायोड। इसको हम स्पेशल डायोड भी कहते हैं। जैसे एक आपको बताया पीएन जंक्शन डायोड होता है, और ये हो गया जीनर स्पेशल डायोड होता है, ठीक है। स्पेशल डायोड में इसमें क्या होता है, जो डॉपिंग होता है वो एक विशेष तरीके से हम मिला के इसको बनाते हैं। इस डायोड का मुख्य काम क्या है कि ये रिवर्स रिवर्स दोनों कंडीशनों में काम कर सकता है, यानी रिवर्स बायस में भी काम करेगा और फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिवर्स में तो ये सामान्य डायोड की तरह ही काम करेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड में जो काम करता है ये जो है ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड में जो काम करता है वो सामान्य डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन जो रिवर्स में काम करेगा ये जो है, तो उसमें क्या होता है कि एक इसका निश्चित रिवर्स बायस होता है, उसी वोल्टेज पर ये काम करना चालू करता है। लेकिन ये आपने देखा होगा सामान्य डायोड क्या करेगा, रिवर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन जीनर डायोड क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। लेकिन ये सामान्य वोल्टेज में नहीं होता, लेकिन कुछ वोल्टेज इस तरीके का रहेगा जो इसके ब्रेक डाउन से ऊपर रहेगा, तभी ब्रेक डाउन हो जाएगा जो है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं जीनर डायोड। ये जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के काम सबसे ज़्यादा आता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन के काम ही आता है जो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है जो है जीनर डायोड का जो है। अब अपन जीनर डायोड को एक उदाहरण के द्वारा सबसे पहले इसका एक वक्र समझते हैं जो है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन VI अभिलक्षण, ठीक है, यानी VI वक्र होता है। अब VI वक्र में देखो ये होती है जो कंडीशन वो होती है फॉरवर्ड वाली, ठीक है, और ये होती है जो आपकी ये होती है रिवर्स बायस वाली। तो दो कंडीशन हो गई, एक फॉरवर्ड वाली और एक हो गई रिवर्स वाली। सबसे पहले हम फॉरवर्ड में देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड में क्या है, 0.3 से 0.7 वोल्टेज है, चूँकि 0.3 जर्मेनियम के लिए और 0.7 सिलिकॉन के लिए। तो फॉरवर्ड में तो ये वैसे ही काम करेगा, जैसे ही इसको हम फॉरवर्ड में 0.7 से ऊपर वोल्टेज देंगे तो ये वर्क करना चालू कर देगा। मतलब इसमें से जो करंट देखो ये है, ये फ्लो होना चालू कर देगा, यानी करंट इसमें फ्लो होगा लो। लेकिन क्या होगा कि निश्चित मान तक फ्लो होता रहेगा, लेकिन जब अपन इसको विपरीत अवस्था में जोड़ेंगे, यानी रिवर्स करके जोड़ेंगे, तो रिवर्स बायस में देख रहे होंगे कि ये ब्रेक डाउन होगा। अब इसका ब्रेक डाउन कब होगा ये जो है, ठीक है, मतलब ये निश्चित मान पे ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब इसका वोल्टेज एक निश्चित सीमा से बढ़ जाएगा तब ये ब्रेक डाउन होगा। ऐसे सामान्य तरीके से ये ब्रेक डाउन नहीं होता है जो है, ठीक है। ब्रेक डाउन का इसका एक निश्चित वोल्टेज मान होता है कि इसी वोल्टेज पर इसको ब्रेक डाउन होना है, और जिस पर ये ब्रेक डाउन होता है उसे VZ कहते हैं, यानी जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं इसकी जो है। तो ये था इसका VI अभिलक्षण। प्रत्येक डायोड का एक VI अभिलक्षण होता है, यानी करंट वोल्टेज पर ये किस तरीके से वर्क करता है जो है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये लोड है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, और ये यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं हम वोल्टेज को एक निश्चित मान का। यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये लाइन करंट चलेगा यहाँ पे जो है, और यहाँ पे हमने समांतर में क्या किया, ये देखो एक जीनर डायोड को लगा दिया। अब इसमें होना क्या है कि जब आप यहाँ से सपोज दैट इसको आप जो है मान लीजिए इसको 1 से 6 वोल्ट इनपुट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 3 वोल्ट का लोड लगा हुआ है। तो अब इसको तो भाई 3 वोल्ट चाहिए पड़ेगा जो है, ठीक है, तभी ये वर्क सही करेगा। अब कभी कभी इनपुट में क्या होता है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो कभी 2 वोल्ट आएगा, ठीक है, कभी आपका 3 से ज़्यादा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा 3 वोल्ट का जो ये लोड लगा है ये ख़राब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जो है निश्चित वोल्टेज मिलती रहे, तो यह काम कर सकता है हमारा एक जीनर डायोड, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का काम ये करेगा जो है, ठीक है। अब कैसे करता है ये देखते हैं जो है। यहाँ पे पहला केस ये होगा कि जब वोल्टेज मान ले जाए 1 वोल्टेज है, यानी 3 वोल्टेज से कम होगा, और 1 होगा जो 3 वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो जब आपका ये वोल्टेज कम होगा तो ये जीनर में से ना जाके ये सीधा का सीधा लोड में से होता हुआ जाएगा जो है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कम से कम करा देगा, समांतर में काम करेगा, तो हमारा वोल्टेज इसको जैसे 2 आया तो ये 3 हो जाएगा, तो लोड को हमारा 3 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन क्या होगा जब ज़्यादा आएगा तब क्या करेगा, मान लीजिए 5 वोल्ट आ गए या 6 आ गए,
तो ये जैसे 6 वोल्ट आ गया, तो अब क्या होगा कि 3 वोल्टेज जाएगा इस लोड में, लेकिन जो 3 वोल्ट होगा वो ये जीनर ड्रॉप करेगा इसको, जो है मतलब ये जीनर का काम होता है कि ये ड्रॉप करेगा जो है। मैं इसको मिटा देता हूँ, काफ़ी समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से बताता हूँ। तो ये इसको 3 चाहिए, तो 3 जाएगा लोड में से और 3 वोल्टेज जाएगा कहाँ से, जीनर में से जाएगा। तो क्लियर है, तो लोड को हमेशा कितना वोल्टेज मिला, 3 वोल्टेज। यहाँ पे इनपुट जब 2 हुआ तब भी देखो 3 वोल्टेज मिला, क्योंकि ये पैरेलल में हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, घट जाता है, तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब इसका 6 वोल्ट दिया हमने, तब भी देखो ये लोड को कितना वोल्टेज मिला, 3, क्योंकि 3 वोल्टेज ये जीनर इसमें से खत्म कर देता है। देखो जीनर का ये जो जेड जैसा ऐसा बना जी ऐसा, ये ही होता है कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरीके से ये काम कर सकता है जो है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।